दोस्तों आज का वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बल्कि एक छोटा सा और काफी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है एक मीटर गेज रेलवे लाइन के ऊपर जो करीब 140 साल पुराना है। गेज कन्वर्जन के चलते इस रूट के ज्यादातर हिस्से को लगभग बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है जहाँ पे ये एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस व्लॉग में क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सब कुछ कितना मंत्रमुग्ध सा लग रहा है और ये अंकल जी उन दिनों की याद दिला रही है कि कैसे उस समय लोग सफर करते थे। दोस्तों यहाँ धूप बहुत है और सभी लोग मतलब तो हमारी जर्नी शुरू होती है इंदौर में एक छोटा सा स्टेशन महो से। महो का नाम हाल में बदल करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अकोला रतलाम रेलवे लाइन का ये स्टेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले तो ये सिर्फ मीटर गेज का रेलवे स्टेशन था, लेकिन हाल में ही इसका गेज कन्वर्जन हो गया है और यहाँ पे ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन भी बिछा दी गई है। दोस्तों हमारी जर्नी जो है वो शुरू होगी इस महो रेलवे स्टेशन से और इसका अंत होगा कलाकुंड में। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ आ चुका है इस हेरिटेज यूनिट के अंदर और आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है और कितने लोगों में एक्साइटमेंट है। कुछ ही समय में ये हेरिटेज ट्रेन पाटनबारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। एक अहम भूमिका ये देश के लिए निभाई तात्या मामा टेम्पल पाटनबारी रेलवे स्टेशन के बाद आएगा। दोस्तों जो सफ़र है ना सच में बहुत कुछ याद दिलाता है और खास तौर पर मैंने तो कभी मीटर गेज पे सफ़र नहीं किया उतना, लेकिन ये जो ट्रेन जो चलाई जा रही है ये सच में हमें उन दिनों की याद दिला रही है कि कैसे उस समय लोग सफ़र करते होंगे मीटर गेज पे और कितनी प्यारी लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है मीटर गेज की ये सारी ट्रेन। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, नन्हे मुन्ने ट्रैक्स हमारे ब्रॉड गेज की तुलना में बहुत छोटे हैं। और ये रही एक वैगन, गुड्स वैगन मीटर गेज की। हेलो हेलो, हेरिटेज का पहला पड़ाव पाटनबारी रेलवे स्टेशन, इस पर 15 मिनट। और ये भी हम पहुंच गए हैं स्टेशन का पहला पड़ाव, इस ट्रेन की पहली पड़ाव जो है पाटनबारी। और देखते हैं यहाँ पे क्या है कुछ खास। यहाँ पे ट्रेन कब करीब 10 मिनट के लिए रुकने वाली है, तो बाहर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि असल में यहाँ पे है क्या। और ये भाई साहब जो हैं वो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि आगे कौन सा स्टेशन अप्रोच करने वाला है और बाकी हमें सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं कि इस स्टेशन पे है क्या कुछ खास। तो आइए सुनते हैं कि क्या बोलते हैं ये। और ये हमारे साथ है, क्या नाम है भाई आपका? बैंक भाई, जिनके कारण से आज हम लोग यहाँ पे हैं। इनके अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते। थैंक यू सो मच भाई। और ये है हमारे भाई। हेलो गाइस, ये आगरा से आए हुए खास तौर पे और अपने हाथ से ट्रेन को सजाया भी इन्होंने। हाँ जी, बहुत बहुत हमारे मेहनत है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे भाई लोग कहाँ आगे ढूंढते हैं। और आरपीएफ जी जो भी है वो भी काफ़ी सपोर्टिव आज रही है और आज किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया इन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये आप लोग देख सकते हो कि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा अभी थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो लोको है वो कैसी दिख रही है सामने से, क्योंकि लोकोमोटिव को भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है और हमारी जो नॉर्मल मीटर गेज की जो लोकोमोटिव होती है ना उनके तुलना में ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। मतलब इनको देख करके लग रहा है कि सच में इन्हें बंद नहीं होना चाहिए, इनको देख कर कैसा लगता है। और आप लोग देख सकते हो कि ये लोकोमोटिव कैसे दिख रही है अभी। और ये हमारे लोको पायलट साहब जो फूल और मालाओं में लटके हुए हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बहुत उत्साह है यहाँ पे लोगों में आज। और सभी लोग मतलब जैसे चाहे तैसे वैसे सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं अपने साथ।
ये रही वो मीटर की छोटी मोटी ट्रैक्स, आप लोग देख सकते हो कितनी छोटी है। और भाई साहब आप कैसे हो? अभी थोड़े उदास दिख रहे हैं भाई, क्योंकि तत्काल नहीं हो पाया, लेकिन हौसला है तो रुकेंगे जरूर से। देखते हैं, टिकट छोड़ के फिर भी रुक ही सकते हैं। रुक सकते हैं, बिल्कुल बात नहीं। बहुत खुश हूँ कि ये पहला रन कम से कम मिला। सच में यार, बहुत 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 मजा आया। और हम इसके पार्ट है। बिल्कुल, और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई कि आपने अगर नहीं बताया होता ना तो शायद मैं यहाँ नहीं आता और इतनी अच्छी चीज को मिस कर देता सच में। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमेशा रैंडम ट्रिप ही सक्सेसफुल होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है भाई। प्लान नहीं था, हम सडन से यहाँ पहुंचे, अचानक से प्लान बना और इतनी खूबसूरत चीज देखने को मिली हमें। बहुत सुंदर ट्रेन, बहुत सुंदर जर्नी और इतने सारे रेल फैंस और सारे अच्छे। और ये है डीजल लोको शेड के, नाम है निखिल भाई। ये भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब कि आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो, 3-3 घंटे का इन्होंने कंपाइलेशन डाला हुआ लोकोमोटिव्स का। मैं तो सुन करके हैरान हूँ कि कैसे कोई इतनी एडिटिंग कर सकता है, वो भी 12 GB की फाइल्स को कैसे अपलोड करना, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। हेलो हेलो भैया, तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा है, फिर वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे कुछ खास क्या है। तब तक के लिए अभी फिलहाल तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली है और आप लोग देख सकते हो ये रही मीटर गेज की ट्रेन। एक अलग ही अंदाज है मतलब मीटर गेज ट्रेन का, और सच में बहुत पुरानी पुरानी याद दिलाती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, और सच में हमारी रेलवेज को इसको सच में बंद नहीं करना चाहिए यार, बल्कि और बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कुछ कुछ रूट पे तो उसको और चलाना चाहिए। और अभी जो है हमारी ट्रेन जो है अब पाताल पानी से खुल चुकी है। ये चाचा जी देखिए, मतलब अपनी उम्र के होते हुए भी इन्होंने कितने सारी चीज़ें देखी होंगी यार। और ये वो वैगन जो एकदम से वेस्टर्न रेलवेज, अब हमारी ट्रेन जो है वो चलने लगी है। अभी हमारी जो ट्रेन है वो एक और स्टेशन पर रुकी हुई, स्टेशन नहीं है बल्कि ये पाताल पानी का इलाका है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। तो चलिए देखते हैं कि उस वाटरफॉल के पास क्या स्पेशल है, बाकी वहाँ जाकर के पता करते हैं। तो यहाँ धूप बहुत है और प्यास बहुत लग रही है, तो सत्या भाई का बोलना है कि जल्दी गन्ने का जूस पीते हैं। और ये रहा वो गन्ने का जूस। सत्या भाई बहुत प्यास लगी है, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत है भाई। ये देखो छोटा सा, दोस्तों अभी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ना वो आजकल के आपको रेलवे ट्रैक्स पे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। ये पुराने तरह के सेमाफोर सिग्नल्स हैं जो अब एकदम लुप्त हो चुके हैं और इस लाइन पे आपको ये देखने को मिल रहे हैं, तो सच में ये बहुत ही अद्भुत है। अभी आप लोग देख सकते हो कि क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से, और सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मन को पूरा मंत्रमुग्ध करने वाले ये नज़ारे हैं। और अभी आने वाला है एक टनल, और हमारे रेलवेज में ऐसा ही होता है जब भी कोई टनल आता है ना तो लोगों की जो चिल्लाहट होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बच्चे चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, तो आप उसका एक नमूना यहाँ पे देखने वाले हैं। ये तो होना ही था, अब ये
मेरा भी मन कर रहा है चलाने का, लेकिन यार हिम्मत नहीं हो रही है चलाने की। आप लोग पागल समझोगे यार संदीप भाई को, लेकिन बच्चों को देखो, बच्चे क्या बड़े भी उसी उत्साह के साथ चला रहे हैं, आपके एक अलग ही मज़ा आता है यार ऐसे। ये हुई हमारी ट्रेन टर्न के बाहर, और बाहर निकलते ही इतना खूबसूरत कर्व और इतना खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया देख करके इसको यार। सच में मतलब ये जो दृश्य होता है ना, इसी दृश्य को देखने के लिए हम ट्रैवल करते हैं, और सच में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। दोस्तों अभी आप लोग दूर वहाँ एक छोटा सा गांव देख सकते हैं, और ये जो छोटा सा गांव दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। और अभी हम वहाँ पे, अभी ट्रेन आगे रुकने वाली है, वहाँ पे रुक करके देखते हैं कि असल में वो गांव दिखता कैसे है। वैसे दूर से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी पास से देखते हैं वो है कैसा। तो यहाँ पे हम एक और व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो खूबसूरती जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो ही नहीं रही है यार, खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मतलब कि आप जितना आगे जाओ उतनी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। तो ये एक और खूबसूरत लोकेशन है जिसको आप लोग देख सकते हो, और छोटा सा गांव एक तरह से अगर आप लोग देख पाओ तो, एक सपनों वाला गांव जो जिसमें पूरा भारत बसता है, ये वो गांव है, ये उस तरह का गांव है। मतलब इन गांव के लोगों को कितना अच्छा लगता होगा, मतलब इस तरह से अगर कभी जब सुबह उठते होंगे और यहाँ से ट्रेन गुजरती होगी इस तरह की, तो सच में कितना अच्छा दृश्य होता होगा वो। और लोगों में सच में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत उत्साह है इस चीज़ को लेकर के, इस ट्रेन को लेकर के। सच में मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रयास है भारतीय रेलवे का, स्पेशली वेस्टर्न रेलवे का, कि उन्होंने इस हेरिटेज ट्रेन को शुरू किया है, क्योंकि बहुत ही काबिल तारीफ है ये चीज़। तो अभी हम जा रहे हैं वायाडक्ट को देखने, जो कि यहाँ का एक खूबसूरत लोकेशन है, और हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छे जो कवरेज हो आप सबको दें, लेकिन भीड़ को देखते हुए और यहाँ पे काफ़ी आवाज़ को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बेहतरीन लुक दे पाऊँ। दोस्तों अभी हम आए हैं इस रूट के पहले वायाडक्ट के पास। ये वायाडक्ट जो था ये एक बार टूट चुका है, लेकिन फिर से इसको एक बार इसका निर्माण किया गया है फिर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा है, और लोग अपने से मतलब सेल्फी लेना चाहते हैं यहाँ पे इस जगह की। और देखिए ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सुनिए। इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा तो हो सकता है, लोग ऐसे कैसे मतलब। दोस्तों इस रूट पे आपको हर 2 मिनट के बाद ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जैसे कि वो आप पहली बार देख रहे हो, और इस तरह से आप देख सकते हो कि जो वायाडक्ट कितना सुंदर दिख रहा है, और लोग उसके ऊपर चढ़ करके सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और सच पूछिए तो नज़ारा ही इतना खूबसूरत है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये जो ट्रेन है ये सुंदर सा कर्व लेती हुई, और लोग इंजन पे बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ का नज़ारा भी तो और अच्छा लगता होगा। पर SRS कौन दे। खैर इस रूट पे ना मतलब कि बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं कि अब उन सभी को कैप्चर करने जाऊँगा इस वीडियो में तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और अभी सच में बहुत कुछ आने को है, एक टर्न आप देख सकते हो कि दूसरी टर्न यहाँ पे आने वाली है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और अभी आगे बहुत चीज़ें आपको दिखाने को है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊं और आप लोगों को फिर से विस्तार से सारी चीज़ें दिखाऊं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग सेकेंड पार्ट में भी ज़रूर से आएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।